खबर है उत्तर प्रदेश की मथुरा से, जहां डीएम एसएसपी ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में मुड़िया मेले के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली है। अधूरे पड़े कार्यों को 12 घंटे में पूरा करने का निर्देश विद्युत निगम, जल निगम एवं पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को दिया गया है। व्यवस्थाओं में लापरवाही मिलने पर शासन स्तर से संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी, ऐसा उनका कहना था। बृहस्पतिवार को डीएम नवनीत सिंह चहल, एसएसपी अभिषेक यादव गोवर्धन पहुंचे और पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में मुड़िया मेले में श्रद्धालु भक्तों की सुविधा कराए जा रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक में जानकारी जुटाई। प्रशासनिक व्यवस्था के अनुसार मुड़िया मेले में 8 जुलाई से शुरू हो रहा है और हालांकि मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ 10 जुलाई एकादशी से उमड़ेगी, श्रद्धालुओं को कोई परेशानी न हो इसके लिए सारी व्यवस्थाएं चौक चौबंद हेतु दिशा निर्देश अधिकारियों की तरफ से दिए जा रहे हैं। R9 भारत के लिए दीपक शर्मा, गोवर्धन, मथुरा। सर, आज आपको जरा ब्रीफिंग की गई है गुरु पूर्णिमा मेले को लेकर, क्या कुछ व्यवस्थाएं रहेंगी, क्या कुछ मुड़िया पूर्णिमा मेले के अंतर्गत कल 8 तारीख से लेकर 15 तारीख तक इस मेले का आयोजन जयपुर मथुरा में कराया जा रहा है। देश के विभिन्न कोनों से जो हमारे दर्शनार्थी और श्रद्धालु हैं वो गोवर्धन परिक्रमा करने यहाँ पर जयपुर में आते हैं और बड़ी भारी संख्या में यहाँ पर लोगों का, दर्शनार्थियों का आना होता है। उसके दृष्टिगत हमारे जो विभिन्न मजिस्ट्रेट्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, सभी विभागीय अधिकारी हैं, उनको ड्यूटीज लगाई गई है। पिछले काफ़ी लंबे समय से जो है उसकी तैयारियां चल रही हैं, चाहे सड़कों को ठीक करना हो, चाहे विद्युत विभाग की जो जर्जर तारे हैं उन्हें बदलवाना हो, ठीक करना हो, हमारे सफाई की जो जिम्मेदारी है वो नगर पंचायत के पास है, पार्किंग की जो जिम्मेदारी है वो मेलाधिकारी के रूप में एडीएम प्रशासन साहब को दी हुई है, जिन्होंने आगे कॉन्ट्रैक्ट आउट किया है। मोबाइल टॉयलेट्स हों, मोबाइल हमारे पानी के टैंकर्स हों, इत्यादि की जो व्यवस्था है वो चुस्त दुरुस्त रहे। हमारा कंट्रोल रूम तैनात है, इसमें कुल मिला के 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरास पूरे परिक्रमा मार्ग और आसपास लगाए गए हैं। सर, सबसे ज़्यादा मेन कार्य सर यातायात कर पार्किंग व्यवस्था को लेकर है, सर उस पर आपके द्वारा क्या व्यवस्था है? यातायात की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो पार्किंग एक महत्वपूर्ण अंग हो जाता है, वो लगभग 40 से अधिक पार्किंग स्थल यहाँ पर लगाए गए हैं। विभिन्न पार्किंग स्थल विभिन्न प्रकार के वाहनों के लिए चिन्हित किए गए हैं। ई रिक्शाज हों, चाहे प्राइवेट वाहन हो, चाहे बड़ी बसेज हो, उनको किस प्रकार से पार्किंग व्यवस्था में पार्किंग में एडजस्ट किया जाना है उसका एक प्लान बनाया गया है, उसका प्रचार प्रसार भी पर्याप्त मात्रा में किया जा रहा है। इसके अलावा जो हमारा मेन जो दानघाटी मंदिर और परिक्रमा मार्ग रहेगा, वहाँ पर वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित है। उससे पहले ही जो रोडवेज की बसेज हैं या जो प्राइवेट वाहन हैं उन्हें एक निर्धारित स्थल पर रोक दिया जाएगा, पार्किंग में जाने के लिए निर्देशित किया जाएगा, जहाँ से आगे पैदल परिक्रमा का मार्ग रहेगा। पूरी परिक्रमा करने के बाद उपरांत जो आपका एक अन्य स्थान है वहाँ पर आके अपने अपने वाहनों से या अपने अगर आप पब्लिक बसेस से आए हैं तो उनके माध्यम से आगे जाएंगे। इस पूरे रूट पे बहुत छोटे छोटे एरियाज के सेक्टर्स बनाकर और जोन्स बनाकर मजिस्ट्रेट्स और पुलिस अधिकारी लगाए गए हैं और सभी का आपस में समन्वय कोऑर्डिनेशन मजबूती से रहेगा ताकि पार्किंग की किसी प्रकार की समस्या ना आए। सर, कुंडों पर आज की महिलाएं जो स्नान करती हैं तो वहाँ मंचलों की कुछ व्यवस्था है आपको जरा रहेगी, वहाँ क्या व्यवस्था? देखिए, चेंज रूम की व्यवस्था जो है वो तो नगर पंचायत वो रखेगा ही, साथ ही साथ जो पुलिस और प्रशासन के द्वारा सख्ती से इस चीज़ को सुनिश्चित किया जाएगा कि इतनी भारी संख्या में जब हमारे दर्शनार्थी श्रद्धालु आ रहे हैं तो हमारी महिलाएं भी सुरक्षित रहें, बच्चे भी सुरक्षित रहें और किसी भी प्रकार से कोई भी अनैतिक या गलत कार्य की गई है। क्या कुछ हमारे द्वारा और डीएम मथुरा साहब द्वारा जो है समस्त फोर्स की, समस्त विभागों की और जो भी तैयारी है मुड़िया पूर्णिमा मेले के लिए चल रही है उसकी समीक्षा करी गई है। उसमें जो जो काम अभी और बने हैं उनके लिए बताया गया, कुछ नए चीज़ों का फीडबैक आया है, अधिकारी ड्यूटी के लिए आए हैं उनके द्वारा उन चीज़ों को ऐड किया जा रहा है। सभी जगहों पर हम लोगों के रिहर्सल्स चल रहे हैं, फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया जा चुका है और इस मेले को सकुशल सम्पन्न कराने के लिए, यात्रियों की सुरक्षा के लिए, यात्रियों की सुविधा की कोई असुविधा कोई समस्या ना हो उस चीज़ के लिए पूरा पुलिस और प्रशासन दिन रात मेहनत कर रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि हम श्रद्धालुओं को एक अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे देंगे। और हमने अपने कंट्रोल रूम और अपने वॉच टावर्स और चौकियों की और आपके माध्यम से भी इंटरेक्ट हम एक मैसेज जारी कर रहे हैं जिसमें जो पुलिस कंट्रोल रूम है उसका नंबर दिया जाएगा और मेरा सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया की जो मीडिया बंधु हैं हमारे उन लोगों से अनुरोध है कि उन नंबरों को अधिक से अधिक शेयर करें, फ्लैश करें, क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु बाहर जनपद से भी आते हैं, अन्य राज्यों से भी आते हैं, तो बहुत बार होता है कि उनको समझ में नहीं आता है कि अगर कोई दुर्घटना हो जाए, कोई समस्या हो जाए, कोई चोरी हो जाए तो वो किसको फ़ोन करें या कोई उसे किसी के साथ खोया पाया केंद्र बना हुआ है लेकिन उसे पता नहीं है वो कहाँ पर है,
वो नंबर हम जारी करेंगे अभी 5-10 मिनट के अंदर मीडिया सेल के माध्यम से आपको दिया जाएगा। मेरा अनुरोध है कि उसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि श्रद्धालुओं के पास वो नंबर हो और कोई समस्या होने पर वो तत्काल हमें सूचित करें, सूचना मिलेगी तो फिर हम उसमें त्वरित कार्रवाई कर पाएंगे। सर मंदिरों में भीड़ रहती है, उसके लिए सादा ड्रेस में पुलिसिंग स्टाफ तैनात किया जाए, वहाँ पे हर प्रकार से व्यवस्था रहेगी कि श्रद्धालु अपने दर्शन भी कर सकें, लेकिन ऐसा भी ना हो कि भीड़ की वजह से कोई अन्य समस्या है, तो व्यवस्था हम लोग वो सारी चीज़ों पर हमारी व्यवस्था है और उन सभी चीज़ों पर कार्रवाई करेंगे। थैंक यू।